हमें प्रूव करना है कि सीकेंट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो पहले हम y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x ले लेते हैं। इसमें सीकेंट इनवर्स को दूसरी तरफ भेजेंगे तो x हो जाएगा सीकेंट y। अब डिफरेंशिएट कराते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx बाय dy हो जाएगा सीकेंट y tan y। अब dx बाय dy सीकेंट y एज इट इज ले लेते हैं और tan y को लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर y माइनस 1 का अंडर रूट। नाउ सीकेंट y की वैल्यू है x, ये इसमें पुट कराते हैं तो dx बाय dy हो जाएगा x अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1। नाउ हमें चाहिए dy बाय dx, तो इसका रेसिप्रोकल करा देते हैं और dy बाय dx आ जाएगा 1 बाय x अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह से प्रूव करते हैं कोसेकेंट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाय x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो पहले ले लेते हैं y इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स x, इसमें कोसेकेंट इनवर्स को दूसरी तरफ भेजेंगे तो x हो जाएगा कोसेकेंट y, और अब इसका डिफरेंशिएट कराते हैं विद रिस्पेक्ट टू y ऑन बोथ साइड, तो dx बाय dy हो जाएगा माइनस कोसेकेंट y cot y, और माइनस कोसेकेंट y को एज इट इज ले लेते हैं और कोट y की जगह हम लिख सकते हैं कोसेकेंट स्क्वायर y माइनस 1 का अंडर रूट। अब कोसेकेंट y की जगह पुट कराते हैं x जो हमें गिवन है, तो dx बाय dy हो जाएगा माइनस x अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1। अब हमें चाहिए dy बाय dx, तो इसे रेसिप्रोकल करा देते हैं और dy बाय dx आ जाएगा माइनस 1 बाय x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1।